सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डी एकेडमी के अकेडमी के वीडियोज़ में मैं हूं भगवत दांगी फाउंडर डी एकेडमी। के अकेडमी बात करेंगे हम मोदी की मोदी जी की योजना के टॉपिक में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है जिसके अंदर जो गरीब परिवार हैं उन लोगों को फ्री में एल कनेक्शन दिया जाता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है इस जो वीडियो होगा इसकी पी आपको हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर मिल जाएगी और जो वेबसाइट के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे आप चेक कर सकते हैं आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबसे पहले इसके शुभारंभ की बात करेंगे तो एक मई दो को ये योजना का शुभारंभ किया गया ध्यान दीजिएगा कि ये जो योजनाओं के शुभारंभ होते हैं इन सब योजनाओं के शुभारंभ या जो डेट होती है किस डेट को शुरू की गई किस डेट को लागू की गई ये डेट्स आपको याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं और लगातार बने हैं आपने भी जितने भी एग्जाम अभी तक दिए हैं आपने सभी ने देखा होगा कि कोई ना कोई जो योजना नई शुरू की गई है इस सरकार के द्वारा उससे कुछ ना कुछ आया ही है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और और ये आपके लिए काम आने वाला है कौन सा मंत्रालय इस योजना को देखता है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो होता है वो इस योजना का काम देखता है मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उनको मुफ्त में एल जो गैस कनेक्शन होता है उसको उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य होता है उनको फ्री में ये पूरा एल कनेक्शन दिया जाता है इसमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर एक नया खाली एल गैस सिलेंडर मिलता है ध्यान दीजिएगा खाली एल गैस सिलेंडर मिलेगा एक रेगुलेटर मिलता है एक गैस पुस्तिका मिलती है एक सुरक्षा नली मिलती है और एक इसका मुफ्त इंस्टॉलेशन किया जाता है इसको इंस्टॉल करके दिया जाता है तो ये इसके अंदर चीज़ें दी जाती हैं इसके अन्य उद्देश्यों की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को इसका बढ़ावा देना उद्देश्य है दूसरा बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण जो रोग होते हैं उन्हें कमी लाना और भीतरी और बाहरी जो वायु प्रदूषण है उसको कम करना ध्यान दीजिएगा कि गाँव में छोटे कस्बों में होता क्या है कि घर में खाना पकाने के लिए जो लकड़ी होती है उसका यूज़ किया जाता है कंडे होते हैं उसका यूज़ किया जाता है तो उससे जो धुआँ निकलता है एक तो वो रोगों का कारक बनता है उससे रोग होते हैं दूसरी तरफ घर के अंदर भी और घर के बाहर भी वायु प्रदूषण भी फैलता है तो इन इन सब चीज़ों से आ, को रोकने के लिए कम करने के लिए घर की महिलाओं को जो आ, इन लकड़ी कंडे में खाना बनाती हैं उन सब चीज़ को थोड़ा सशक्त करने के लिए और इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए ये जो योजना है प्रारंभ की गई है ताकि स्वच्छ ईंधन सबको उपलब्ध हो सके घर की महिलाओं को इससे परेशानी ना हो इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य पाँच करोड़ बी परिवारों को एल कनेक्शन का वितरण करना है ध्यान दीजिएगा पांच करोड़ जो बी परिवार है देश के अंदर उन सबको एल पी कनेक्शन जिनके पास एल का कनेक्शन नहीं है पहले से उन सबको इसका, इसका वितरण करना है इसकी समय सीमा की बात करें समय सीमा से आशय है है कि कितने समय कि में इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा तो इसकी समय सीमा तीन साल की है तीन साल के अंदर यह पूरा किया जाएगा 2016-17 से ये योजना प्रारंभ हुई तो ये 18 उन्नीस तक जाएगी ध्यान दीजिएगा 16-17 मतलब 1 2016, एक मार्च 2016 से माफ कीजिए एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 हज़ार ये एक वित्तीय वर्ष होता है तो एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो ईयर होता है वो एक ईयर गिना जाता है एक वित्तीय वर्ष गिना जाता है तो 2016-17 से लेकर 2018-19 तक इसको पूरा करने की समय सीमा रखी गई है इसका जो कुल बजट है वो है आठ करोड़ रुपये उसमें से इस वर्ष के लिए दो करोड़ रुपये सरकार ने प्रदाय किए थे और ये जो काम प्रारंभ किया था लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को इस वर्ष ये दी गई है एक डेढ़ करोड़ परिवारों को इस वर्ष दी गई है इसी तरह से पूरे तीन वर्षों के अंदर पाँच करोड़ परिवारों को एलपीजी का वितरण किया जाएगा ये जो वित्तीय सहायता मिलती है इसमें प्रत्येक जो बीपीएल परिवार होता है उसको सोलह सौ सो रुपये की सहायता इसके अपल इसके तहत उपलब्ध कराई जाएगी अब बात करते हैं इसकी पात्रता के लिए क्या वो रहेगा तो ऐसी सी सी ये ए सी 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 जो सर्वे हुआ था 2011 के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उसका जो डाटा है उससे जो लोग पात्रता में पाए गए बी पी एल के अंदर जिनका नाम था और जिनके पास आ, जो एल पी जी कनेक्शन नहीं था उस समय जो सर्वे हुआ था पूरा आर्थिक जनगणना की जिसे कहा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें जो डाटा दो हज़ार ग्यारह में मिला था उसके डाटा से पात्रता की जाँच की जाएगी और उसके बाद उसी को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है लागू किया गया है तो ये इस योजना की पूरी डिटेल थी यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बहुत ब्रीफिंग में हमने इसको बताया तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप नीचे शेयर का बटन है वहाँ से आप इस पूरे वीडियो को शेयर करते हैं कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट्स जो होते हैं हमें और इनक्रेज करते हैं इस तरह के वीडियोस और बनाने के लिए ताकि आपको और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिल सके चलिए आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे आप देख रहे थे डी एन जो है नंबर वन जी के चैनल आज की बात यहीं समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत